और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में हुए शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के तीसरे समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। बीजेपी ने मामले पर तंज करते हुए कहा है कि कभी भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले केजरीवाल खुद राजनीति में, पॉलिटिक्स में भ्रष्ट दीमक बन गए हैं और उन्हें गलत फहमी है कि वो कानून से ऊपर हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस मामले को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के तीसरे समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। लिखित जवाब भेजकर केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को अवैध करार दिया। अब बीजेपी इस मामले को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल नहीं चाहते कि सच बाहर आए। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं, जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ईडी के समन की अवहेलना करने पर कांग्रेस केजरीवाल को कानून का पालन करने की सलाह दे रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बन गए हैं। जो कानूनी प्रक्रिया वो तो आपको करनी है, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ईडी की ओर से केजरीवाल को बार बार नोटिस भेजने को राजनीतिक साजिश बता रही है। उनका कहना है कि जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। ईडी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जगह जगह जा ना पाए। 2 नवंबर और 21 दिसंबर के पहले दो समन पर संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को ये तीसरा समन भेजा गया था। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।